हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। देख लीजिए, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है, काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1956 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था 2001 और 2002 के बीच में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 2001-2002। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। तो याद रखिए, पर्यटन विकास को मतलब कह सकते हो तो उसके प्रचार प्रसार, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपकी जो चिन्ह ये कह सकते हैं कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ये आपके 7 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है। जो आपके कह सकते हैं आपके यात्री वगैरह आते हैं, दर्शक लोग होते हैं, उनके लिए आपकी है। तो पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? तो 5 का जवाब क्या हो जाएगा? 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, 1994 से चलाई गई है आपकी पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक आपके शामिल हैं। हमने टेलीग्राम पर भेज भी दिया है। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर कुछ आवश्यक पीडीएफ भी मिल जाती हैं। ठीक है, आप लोग सर्च करिए देव जी के ट्रिक, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, तो वहाँ पर आपको आवश्यक पॉइंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जरूर जुड़ हो जाइए। यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपके कितने राज्य हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर भी आपके 3 है। ठीक है, 3 है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है। कनक भवन किस जनपद में है? सभी लोग को पता है कि जो आपका अयोध्या था उसका वर्तमान आपका फैजाबाद है ना, जो आपका फैजाबाद माफ करिए कि जो फैजाबाद है ना, इसका वर्तमान आपका अयोध्या हो चुका है। तो आपके कह सकते हैं अयोध्या में, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपके फैजाबाद। ठीक है, हमने बताया कि पहले फैजाबाद हुआ करता था नाम, अब इसका नाम चेंज होकर पूरा अयोध्या हो चुका है और अयोध्या में ही कनक भवन आपका स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? 8 का जवाब देना है। 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके वन विभाग को। याद रखिए कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को, तो आपके वन विभाग को अधिकृत किया गया है, ऑप्शन राइट आपका 8 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है। देख सकते हैं कि जो आपके अप्रवासी भारतीय हैं और अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी जो आपकी योजना चलाई जा रही है, यह आपकी योजना कौन सी है, कौन सी योजना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आपका 3rd नंबर, डिस्कवर योर रूट्स योजना। ठीक है, कौन सी आपकी है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीनकालीन अक्षत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। पूछा गया है कि जो आपका अक्षत्र जो वर्तमान प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है, प्राचीन काल में नाम आपका हुआ करता था क्या, अक्षत्र, इसका वर्तमान नाम जो आपका है वो आपका कौन सा है और कहां पर आपके है। ठीक है, तो यहां पर 10 का जवाब क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, 10 का जवाब। सभी लोग जवाब साथ में दीजिए।
तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, बरेली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चलिए 11 का जवाब देना है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ से लोहे के छात्र जो आपके साक्ष भी मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा जो आपके है वो आपके कहाँ पर? यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, आपके एटा। देखिए लगभग आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, उसी के आसपास आपको मिलेगा। तो 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? देखिए महाजनपद काल जो आपके 16 महाजनपद थे, है ना, उसमें से अयोध्या किस महाजनपद का लगभग आपका भाग था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट आपका कोसल, ठीक है। कौन था आपका? तो कोसल था। ऑप्शन राइट अब 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कोसल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? देखिए कपिल वस्तु और उत्तर प्रदेश में जो आपकी पहचान की गई है आपके कपिल वस्तु की, किस जनपद से की गई है? 13 का जवाब देना है। और 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर आपके सिद्धार्थ नगर, ठीक है। कपिल वस्तु की पहचान आपके किस जनपद से? तो आपके सिद्धार्थ नगर से की गई है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? यहाँ पर आपका जवाब देना है, जवाब देना है बिल्कुल सही है। लुम्बिनी जो आपकी पड़ती है वो आपके आपके समीप किसके? तो आपकी महाराजगंज में है, महाराजगंज। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संत मलूकदास की जन्मस्थली कहाँ थी? चलिए जवाब दीजिए, संत मलूकदास की जन्मस्थली कहाँ थी? जन्मस्थली कहाँ थी? बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, आपके कड़ा, ठीक है। कड़ा और कड़ा देख सकते हैं नीचे, उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न दिया गया है कि कड़ा आज किस जिले में स्थित है? कड़ा आज किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके कौसाम्बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका आपको 16 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे घोषित राम बिहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? घोषिताराम है, तो घोषिताराम बिहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? 17 का जवाब क्या बनेगा? 17 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर, आपके कौसाम्बी, ठीक है। कहाँ पर? आपके कौसाम्बी, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जो जन्म है, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 18 का जवाब देना है। चलिए सही जवाब है यहाँ पर 18 का जवाब, लगभग सभी का जवाब आ चुका है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? तो आदिनाथ जी, जिन्हें हम लोग ऋषभ देव जी भी कहते हैं, ठीक है, आदिनाथ, या इन्हें हम लोग ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो आपकी जन्मस्थली है वो आपके जो आपके भगवान राम अर्थात आपके अयोध्या नगरी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, अयोध्या में हुआ था, याद रखिए अयोध्या में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कालपी किस जनपद में स्थित है? कालपी पूछा है, कालपी, और कालपी जो आपके है वो आपके कहाँ पर? बिल्कुल सही है, आपके किस जनपद में है, किस जनपद में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आपका जालौन, ठीक है, जालौन, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? 20 का जवाब देना है, 20 का जवाब देना है। तो याद रखिए भीतर गांव का मंदिर जो कि गुप्तकालीन एक मंदिर है, आप कह सकते हैं कि आपके ईंटों से निर्मित आपका है, है ना, ये आपके कानपुर देहात में पड़ता है भीतर गांव, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? 21 का जवाब देना है, 21 का जवाब देना है, बिल्कुल सही है। सा से शाकंभरी और सा से सहारनपुर, है ना, तो सहारनपुर जो आपके संतरे के लिए प्रसिद्ध है, और कह सकते हैं कि आपके पेपर, है ना, पेपर के लिए भी आपके प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर किस जनपद में अवस्थित है? यहाँ पर मगहर देख सकते हैं ये आपके
आपके बिल्कुल सही है, 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपके संत कबीर नगर में है आपकी मगहर, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु मंदिर है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी से इस प्रश्न को पढ़िएगा, कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु मंदिर है, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर भृंगु मंदिर दिया है, और भृंगु मंदिर जो आपका है वो आपके कह सकते हैं आपके बलिया में है, कहाँ पर है, बलिया में। अब यहाँ से तीन पॉइंट बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु ऋषि का आश्रम, और अगर आश्रम की बात करता है तो आपको फर्रुखाबाद लगाना है, और अगर बात करें कि भृंगु ऋषि धाम, तो धाम की बात करें तो वो कह सकते हैं जो आपके अयोध्या के पास आपका कह सकते हैं अंबेडकर नगर जिले की सीमा पर आपका स्थित है, वो आपका भृंगु ऋषि का धाम है, और भृंगु ऋषि का आश्रम कहाँ पर है तो आपके फर्रुखाबाद, और अगर पूछे भृंगु मंदिर कहाँ पर है तो आपके बलिया में है। ये तीनों प्रश्न आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, समझ में आ गया ना, इस कारण से इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है, किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है, तो यहाँ पर आपको कई बार हमने पढ़ाया है कि ये जो आपका कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए, बिल्कुल सही है 24 का ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपके बिठूर का नाम है आपका ब्रह्मावर्त, ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपके कुशीनगर, कहाँ पर आपके कुशीनगर, तो 25 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है, किस जनपद में लगता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा हापुड़, ठीक है, कहाँ पर आपके, तो हापुड़ ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है, ऐतिहासिक मंदिर पूछा है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके सोरो, ठीक है, कहाँ पर आपके है, तो सोरो में है ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था, किस जनपद में, तो आपके बांदा, ठीक है, याद रखिए बांदा जनपद के जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट में एक गांव पड़ता है राजापुर गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था, याद रखिए ऑप्शन आपका 28 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है, संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है, यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि आपके जो भगवान बुद्ध हैं उनका जन्म या कह सकते हैं उनका संबंध कहाँ से नहीं है, तब ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है ना, तो संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है, तो आपके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में कहा जाता है यहाँ पर सोने का एक घर भी बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा चर्चित में रहता है, इस कारण आपको पता रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, 30 का जवाब देना है, 30 का जवाब बिल्कुल सही है, ये आपके कह सकते हैं जो आपका शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी है ना, तो आपके फतेहपुर सीकरी किसके पास पड़ता है, किसके पास, आगरा के पास तो पड़ता है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका आपका थर्ड हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न आपका है कि पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, 31 का जवाब दीजिए, पद्मावती सती मंदिर कहाँ पर है, तो आपके कन्नौज में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कन्नौज, जो कि आपके इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ पर है, ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ पर है, नैमिषारण्य कहाँ पर है, 32 का जवाब देना है, 32 का जवाब बिल्कुल सही है, नैमिषारण्य जो आपका है वो आपके सीतापुर में है, कहाँ पर है आपके, तो सीतापुर में है, तो 32 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, सीतापुर। अगला प्रश्न आपका है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, 33 का जवाब दीजिए, चलिए बिल्कुल सही है, जो कि आपके पेट्रा ड्यूरा शैली से बना हुआ आपका प्रथम मकबरा आपका है, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते जो रंगीन कांच के आपके टुकड़े होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका एतमादुद्दौला का मकबरा आपके कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है, याद रखिएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आगरा। अगला है दयाल बाग कहाँ है, दयाल बाग नाम सुना होगा है ना, तो दयाल बाग आपके कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा।
अगला है कि अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। अक्षय वृक्ष तो अच्छे मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, है ना। तो अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, किस जनपद में, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अक्षय वृक्ष जो आपका वृक्ष है ये आपकी इलाहाबाद में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है। सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, 36 नंबर का जवाब देना है। तो बिल्कुल सही है, सैयद सलार व मसूद गाजी की जो दरगाह है वो आपके बहराइच में है। कहाँ पर है, तो आपके बहराइच, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ है। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है, 37 का जवाब दीजिए। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है, तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तुलसी मानस मंदिर आपके है कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में है, 37 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिए निर्वाण आपके कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का, तो आपके कुशीनगर। तो इस प्रकार से याद रखिए निर्वाण महोत्सव कहाँ पर, तो आपके कुशीनगर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है सोह गौरा किस जनपद में स्थित है। सोह गौरा किस जनपद में स्थित है, तो सोह गौरा जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके गोरखपुर में है, याद रखिएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर 39 का हो जाएगा थर्ड। आपके सोह गौरा कहाँ पर है, तो आपके गोरखपुर में है। अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, तो यहाँ पर कहा जाता है भगवान राम ने कह सकते हैं जो विरासत के रूप में लक्ष्मण को दिया था, जो आपको कह सकते हैं आपका लखनऊ है, और इसका नाम आपके लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी। याद रखिएगा कि हमने बताया था कि हिंदी में इसे अड़ा बोल देते हैं, और लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यन लिखते हैं, चाहे आपका यह हो चाहे ना हो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखने में आपकी होती है अड़ा और ना का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं आपके एक ही होते हैं, और प्रायिकता एग्जाम में इंग्लिश को ज़्यादा दी जाती है, इंग्लिश वाला मान्यता दी जाती है। तो इस कारण से याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, ठीक है। याद रखिए इसके जवाब दोनों ही हो जाएंगे कि लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी, ये आपके दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड आपके पूरे सेम ही हो गए, है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। देख लीजिए 23वें तीर्थकर आपके कौन थे, पार्श्वनाथ, ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था किस जनपद में, तो आपके 41 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके काशी में। कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काशी में हुआ था आपके पार्श्वनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है। सिकंदरा जो कि अकबर का मकबरा भी आपको सिकंदरा में ही है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, आपके आगरा में है, आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि हुलास किस जनपद में स्थित है। हुलास किस जनपद में स्थित है, तो हुलास जो आपका है, याद रखिए हुलास जो आपका है ये आपके सहारनपुर में है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था। बताइए भाई भगवान बुद्ध का प्रिय नगर जो इनमें से था वो आपका कौन सा था, तो याद रखिए श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती है, यहीं पर ज़्यादा दिन इन्होंने व्यतीत भी किया है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, श्रावस्ती। और अगला प्रश्न आपका है कि बिहारी जी का मंदिर कहाँ है। बिहारी, तो आपका बिहारी कहाँ पर है, बाकी बिहारी नाम सुना होगा ना। 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपके वृंदावन में है बिहारी जी का मंदिर, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला है धम्मेख स्तूप कहाँ पर है। धम्मेख स्तूप आपके आपके सारनाथ में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। 46 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो 47 का जवाब देना है, 47 का जवाब देना है। कलिंजर जो आपका है यह आपके बांदा में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो कलिंजर किस जनपद में पूछा गया है, ठीक है, तो आपके बांदा में है, और कह सकते हैं जो आपके हीरे वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यूपी में, आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। और अगला प्रश्न आपका देखा गया है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है। सिराज ए हिंद आपके किसे कहा जाता है, यूपी के कौन सा आपका ये जिला है।
तो याद रखिए ये जो जनपद है, ये जनपद ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फोर हो जाएगा आपके जौनपुर को, ठीक है, जौनपुर को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ कह रहा आपसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो अभी देखो प्रश्न आया था कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपके आगरा दिया गया था ना, और हमने बताया था कि आगरा के पास ही आपका कौन सा फतेहपुर सीकरी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 49 का ए नंबर, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया गया है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।